करनाल के बसताड़ा टोल पर किसानों ने सांकेतिक धरना दिया। गेहूं के लिए 500 रुपए बोनस और टोल की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, जिला प्रधान अजय राणा ने बताया कि किसानों की गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है, ऐसे में सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसानों को बोनस देकर मदद करें। इससे किसानों को मदद मिलेगी, बच्चों को पालने में सहयोग होगा, सरकार का कुछ नहीं जाना, किसान इसकी चपेट में आएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि दूसरा 15 किलोमीटर के एरिया में टोल फ्री होना चाहिए। अब की बार फसल का झाड़ बहुत कम है जी, 500 रुपया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा मैसेज आया था कि गेहूं का 500 रुपये किसानों को बोनस मिलना चाहिए। जब विदेशों में 4000 रुपये गेहूं बेच रही है सरकार, तो किसानों का भी हक बनता है कि इनको भी बोनस दिया जाए। और ये टोल, ये जो खच्चर सरकार ये लोगों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर टोल बढ़ा चढ़ा कर ले रही है, इसको भी कम करे। क्यों, जाने का भी लेती है डबल और आधा फिर आने का लेती है, ये दो दो टोल ले रही है सरकार। क्या नाम है? गुलाब सिंह जी। यहाँ पे हम एक तो पहले ही जो फसल की एक मार पड़ रही है जिमीदारों के ऊपर, झाड़ बहुत कम निकल रहा है, 14-15 क्विंटल एक एकड़ में से निकल रहा है, और उसको लेके गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने एक आश्वासन दिया था कि एक 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बोनस किसानों को देना चाहिए, कि जब ये फसल आगे जिम्मेदार जो सरकार है 3-4 हज़ार रुपये एकड़ में जो यूक्रेन में बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, तो जिम्मेदार की तो फसल है, जिम्मेदार को भी 500-400 रुपये बढ़ा के दे देने चाहिए। एक तो पहले ही मौसम की और फसल इस बार कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, तो इस चीज़ के लेके हमारी, हाँ जी, और टोल हमारा इसीलिए है जो टोल फ्री होना भाई 3 घंटे, और जो आसपास के 15-20 किलोमीटर एरिया है उसमें टोल फ्री होना चाहिए, उनके आधार कार्ड या उसके हिसाब से टोल फ्री होना चाहिए सबके लिए। मेरा गुरदीप सिंह। जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अब की बार बेमौसम बरसात सर्दी में हुई, उसकी वजह से गेहूँ का प्रति एकड़ 7-8 क्विंटल झाड़ कम है। हरियाणा का किसान 500 रुपये बोनस की मांग कर रहा, वर्ल्ड मार्केट के अंदर गेहूँ का रेट इस टाइम 250 रुपये क्विंटल आ रहा, हरियाणा सरकार 2015 रुपये रेट दे रही, तो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, 500 रुपये क्विंटल बोनस दें। जो टोल है टोल पे जैसे पहले दोनों साइड की पर्ची कटती थी वैसे पर्ची काटें, और दूसरा जो यहाँ कर्मचारी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी में हैं, चाहे वो ऑपरेटर हैं, जो भी हैं, वो लोकल रहें, यहाँ के आसपास के गाँव के उन साथियों को यहाँ पर नौकरी पर रखें, ये 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, जैसे पहले 13 महीने किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहा, अब भी ऐसे ही बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। मंजीत चौगामा। किसानों की गेहूँ का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, सरकार तो मांग कर रहे हैं भाई इस उत्पादन को कम में थोड़ा सहारा लगा दिया, बोनस देता मारे बालक पड़ जाएंगे, सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है, और मारा भी बढ़ाओ चप्पा जाएगा इस बोनस की मांग के वास्ते और इस टोल वास्ते। 15 किलोमीटर का एरिया फरी करो, और जो ये डबल पर्ची काटा है ड्रैग वाला सिस्टम में उन्हें बंद करो। शांति भी रहेगा, कब तक रहेगा? जमा शांति भी रहेगा, हवा ऐसी मिलेगा, हम नहीं मरते। अजय राणा, जिला प्रधान। आपको पता ही है कि पिछले समय जो लंबा आंदोलन चला, जिसमें कि किसानों को भारी मात्रा पे सरकार की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया, तो अब किसानों ने बोनस की मांग रखी है, तो सरकार किसानों को बोनस दे, और शांति प्रिय जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों को क्या नाम है 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे, और 10 बजे से लेके सॉरी 1 बजे तक जो है टोल फ्री रखा जाएगा। और भी कुछ मांग है? हाँ जी, टोल की ये मांगी है कि जो अब ये डबल टोल ले रहे हैं उसकी मांग है कि जैसे पहले था वैसे होना चाहिए। दूसरा नंबर, जो बाहर के कर्मचारी हरियाणा के टोलों पर काम करते हैं उनको हटा के हरियाणा के ही कर्मचारियों को रखा जाए। कब तक रहेगा ये? 10 बजे से लेके 1 बजे तक। गुरजंट सिंह खालसा।